तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और हमेशा की तरह आपको जैसे कि मैं बताता हूं कि नए नए टूल्स के बारे में। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए आज हमारे पास में है सुपर कैम 2। ये वर्जन 2 है और अभी तक की इसकी अनबॉक्सिंग किसी ने नहीं की है, मुझे नहीं लगता इंडिया में तो किसी ने की है। और ये कोई भाग दौड़ नहीं है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता कि मैं बहुत पहला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास में आया है क्योंकि बहुत जल्दी एक आईफोन पे काम हम लोग चालू करने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए और उसमें हम बेस्ट इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ये चीजें बुलवा के ताकि ये बता सके कि इससे भी कैसा काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसी पर डिपेंड है, ये भी नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि थर्मल कैमरा नहीं है तो ऐसे लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट तो 50,000 रुपये का 60,000 रुपये का थर्मल कैमरा खरीद नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लियरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि आप ऑनलाइन इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो बहुत से लोग इस पर कमेंट करते ही हैं। सो आई होप कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे कि ये वीडियो सिर्फ मेरे स्टूडेंट के लिए है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिसको नेगेटिव लेना है। सिर्फ वीडियो मेरे स्टूडेंट के लिए है कि इस अगर ये बॉक्स आप परचेस करते हैं इन फ्यूचर या आप आईफोन पे हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह का सेटअप इसका होगा, सो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। सो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर आप जैसे कि ये कैमरा देख रहे होंगे, ये वर्जन 1 है। ये वर्जन 1 है जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और दोस्तों इस वर्जन 2 में क्या क्या फायदे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहली चीज तो उन्होंने यहाँ पर साफ बता दिया कि डिटेक्टेड शॉर्ट सर्किट एंड लीकेज इन 5 सेकेंड के अंदर ये लीकेज निकाल देगा। और मैं आपको बता दूं अगर आपको ये मन कर रहा है खरीदने का, अगर आप आईफोन क्या काम कर रहे हैं तो आप नीचे ZX वाले को कॉल कर सकते हैं, आप हमारा नाम लीजिए, हमारा व्हाट्सएप उनको कीजिए, हमारा सब्सक्राइब। सो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जो फोटो है वो ZX मलिक को भेजिए और वो आपको इसका बहुत अच्छा रेट देंगे। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इंडिया में इससे अच्छा रेट वो आपको और कोई नहीं दे सकता है, जेन्युइन प्रोडक्ट है और OG एक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या मिलेगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमरा जो काइली कंपनी का है और बहुत सारी चीजें इसमें है। आप जैसे कि देख रहे हैं मैं इसको फर्स्ट टाइम, ये पूरा पैक है आप जैसे कि देख रहे हैं। सो ये मैं इसको फर्स्ट टाइम इसको अनबॉक्स कर रहा हूं। सो थोड़ा यहां आ जाइए। तो दोस्तों इसको कहां से अनबॉक्स करें, चलिए ओके। तो पहला हम इसका ऊपर का जो कवर है वो निकाल देते हैं। इसका क्या प्राइस है, कैसा क्या है, अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे या कमेंट में बिल्कुल मत पूछिए। आपको यहाँ पे ZX मलिक का नंबर शो हो रहा होगा, आपको वहीं पूछना है और उनको व्हाट्सअप करना है सारी चीजें। तो यहाँ पर अब इसको खोलने का, तो ये दोस्तों ये इस तरह का कोई बॉक्स है जैसे मोबाइल के बॉक्स होते हैं, ये देखिए। तो वाकई में हम इसको देखना चाहते हैं तो अगर देखना चाहते हैं तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं और बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तकरीबन रात के काफी टाइम हो रहा है फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। सो यहां पर ये मैंने निकाल दिया है और इसके बाद एक यहाँ पे मैनुअल आपको एक गाइड मिल रहा है यहाँ पर सुपर कैम में, जिसमें प्रोडक्ट दिया है और इंस्टॉलेशन कनेक्शन कैसे करना है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है ये सब बताया गया, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फंक्शन सारे बताया है, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स इसमें बताई गई है। तो सारी चीज यहाँ पे बताई गई है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है तो वो इंस्टॉलेशन करने का तरीका भी इन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इसमें देखिए पिछली बार ये क्या था, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसका सपोर्ट कुछ नहीं था, तो बेसिकली ये सिर्फ यहाँ पर रखे थे और ऐसा कुछ स्क्रू यहाँ पर को समझ में नहीं आया, बट यहाँ पर एल की दी है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी स्क्रू दिए होंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। तो एक मैनुअल बुक है, उसके साथ भी एक और मैनुअल बुक और एक वारंटी कार्ड होगा मेरे ख्याल से रिपेयरिंग का, पूरी चाइनीज लैंग्वेज में दोस्तों, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आप थोड़ा यहाँ देख रहे होंगे तो आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए, पॉज करो, पॉज कर लिया। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमारे पास एक जो नॉर्मल हमें जो केबल मिलती है, जैसे हम इसको CPU होते हैं उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं हमारे जो, बट बेसिकली मैं इसमें सोच रहा था कि इसमें लो स्पेशल। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे होंगे इसमें आपको इस तरह का सामान देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये एल की आपको यहाँ पे मिल रही है, इसके साथ कुछ स्क्रू मिल रहे हैं जो कि नीचे से सपोर्ट सिस्टम काफी अच्छा देंगे।
यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है केबल, जो नॉर्मल केबल है। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके साथ यूएसबी केबल आ जाती, क्योंकि लैपटॉप में आजकल के में नई तरह के यूएसबी केबल इस तरह के नहीं आते, तो हमें इसको अपने सीपीयू और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, मॉनिटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं हमारे, उन्हीं के साथ हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं। ये इसका इस तरह का होगा जिसमें ये फिट होता होगा। तो चलिए इसको एक एक करके निकाल लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसको हम लगाएंगे इस तरह से। ये इसका ये होगा, आप देख रहे होंगे ओल्ड तो यहाँ रखा हुआ है, एक नया भी मैं इसको रख देता हूँ। ये इसका मेन कैमरा होगा दोस्तों, तो ये कैमरा है जैसे कि आप देख रहे हैं, काइंडली यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी एक बहुत बेहतर एक क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 12 वोल्ट DC पे ये चलता है, मतलब इसको जो जो हमें इनपुट वोल्टेज देना है वो 12 वोल्ट DC है, मतलब डायरेक्ट AC करंट नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको आपको एक अडेप्टर लगाना पड़ेगा, नॉर्मल आप कोई सा भी अडेप्टर लगा सकते हैं, जैसे आप ये कैमरा चलाते हैं, कोई सा भी आप नॉर्मली 12 वोल्ट के अडेप्टर जो आते हैं, जो जल्दी AC to DC कन्वर्ट करते हैं, 12 वोल्ट आपको दे देते हैं। हालांकि इसके साथ भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें पोर्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो मेन RJ45 और एक आपको नॉर्मल 12 वोल्ट का एक इनपुट वोल्ट मिल रहा है। सो इनपुट कनेक्टर आपको मिलना है। सो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। एक यहाँ पर ये देखिए, ये आपका 12 वोल्ट का एडेप्टर आपको देखने को मिल रहा है। पर एक चीज़ यहाँ पे लगती है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको जो यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं वो चाइनीज ही आते हैं, बेसिकली इंडियन कनेक्टर नहीं है। सो रीज़न ऑफ दैट कि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो हमारे बोर्ड बनते हैं वो हमारे इंडिया कनेक्टर के हिसाब से बनते हैं, इस हिसाब से कनेक्टर से नहीं बनते। अगर मैं इसको लगाऊंगा भी तो लगेंगे नहीं। सो जनरली जो मेरे टेक्नीशियन भाई हैं, अगर वो दुकान पे अपने बोर्ड बना रहे हैं तो उसमें चाइनीज कनेक्टर लगाने का भी कनेक्टर लगाइए, या फिर उनको फिर अलग से इस तरह का उनको एक्सटेंशन बोर्ड परचेस करना पड़ सकता है। आई होप कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को। अब इसके नीचे आपको इसके मिलेगी, इसको प्लेट मिलेगी, इसको स्टैंड जिसको हम बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, पहले से बहुत बेटर क्वालिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। तो दोस्तों देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, पिछली बार आपने देखा होगा इसी का मैंने वीडियो डाला था, ऐसा बॉक्सिंग नहीं आई थी, डायरेक्ट उन्होंने सीधे में पैक करके दिया होगा था, और ये सीधे चाइना आया था, तो ये सीधे चाइना से आया था। आप देख रहे होंगे कि पहले और अब के में कितना अंतर है। पहले यहाँ पर आप थोड़ा साइड में आइए, थोड़ा पास में आइए, पहले का देखिए बोर्ड कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और अभी के बोर्ड देखिए कितना छोटा है, एक मैट भी बीच में दे दिया है यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट रखने के लिए, कुछ भी इनको रखने के लिए सामान आपको दे दिया है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर कैम, तो सबसे पहले ये यहाँ लगेगा, फिर उसके बाद ये जो प्लेट आपको ये जो दिख रहा है ये इस तरह के नीचे यहाँ लगेगा, और उसके नीचे यहाँ पर लगेंगे इसके एलन की, और ये इसको लगेंगे। तो चलिए पहले इसको लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको यहाँ पे फिट कर लिया है, बहुत ही इजी था, मैं आपको बता देता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दो स्क्रू यहाँ आए थे, दो स्क्रू को यहाँ लगाने के बाद मैं ये एल की को इसके साथ राउंड अप किया और ये फिट हो चुका है। किसी भी स्क्रू को तब तक टाइट कीजिए जब वो हो रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश में स्क्रू खराब होते हैं, प्लेट खराब होती है, ऑलवेज रिमेंबर ये थोड़ा डीप नॉलेज है, कोई बताता नहीं है दोस्तों। चलिए थोड़ा पास में आइए। सो अब ये कैमरा हम यहाँ पे फिट करेंगे, काफ़ी अच्छा है, नीचे भी सपोर्ट है, ऊपर भी सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला है, और अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, और जो हमारा दूसरा स्क्रू था वो हमारा यहाँ जाएगा और वो इधर लगेगा। तो देखिए ये हमारा कैमरा चालू हो गया। अब बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बेस्ट है। सो सच बताऊँ ये बहुत जगह खा रहा है, इसने उन्होंने कॉम्पैक्ट कर दिया और चीज़ों को बहुत अच्छा किया है। आप देखेंगे कि ये जितना काम कर रहा था उससे दुगना ये अच्छा काम करेगा और कम जगह खाएगा। तो चलिए अब इसमें हम इसको अभी चालू करके भी दिखा देते हैं आपको, और अभी केबल लगा के और इसका इसका सेटअप का अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे इसका लिंक में सेटअप ले लेना, जिसको भी सेटअप चाहिए। सो इधर इसका अडेप्टर लगाते हैं। सो दोस्तों अडेप्टर तो किसी का भी लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, खैर इसको भी मैं चालू कर देता हूँ। इसका अडेप्टर ये रखा हुआ है, चाइनीज अडेप्टर है, इसलिए दिक्कत जाती है। तो चीज़ें भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं, पहले वाले के साथ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं आई थी जितनी इस बार आई हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमने लगाया, मैं इसको चालू करके और इसके तो पूरे फंक्शन अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं, हालांकि इसे भी स्टूडेंट के लिए है। और दोस्तों सच बताएं कि थर्मल कैमरे की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पर अगर बेस्ट काम करना है, अच्छा तरीके से करना है और आपका बजट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दिक्कत है क्या होता है, लोग फिर बोलेंगे कि थर्मल कैमरा भाई 1 इंच, ये तो सिर्फ थर्मल कैमरे पे काम करते हैं और किसी पे काम करते नहीं। आप देखें यहाँ पर
यहाँ लाइट चल गई है, इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है। अब सिर्फ इसको इसके कंप्यूटर के साथ लगाना है और उसका सेटअप हमें चलाना है, जो कि बहुत नॉर्मल और यूजुअल है। तो ये भी दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे आवाज। सो दोस्तों यहाँ पे ला दो थोड़ा। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये जो थर्मल कैमरा है ये, या तो आपको इसमें दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा है, वो ज्यादा फर्क रही है पैसों का। और मुझे पूरा यकीन है कि अब इसको कोई परचेस नहीं करेगा, अब इसी का ही मार्केट है। कंपनी ने भी बनाना बंद कर दिया है, कंपनी अब सिर्फ इसको बनाएगी, क्योंकि ये एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सिर्फ इसका अपडेट वर्जन 2 है। सो अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव या किसी प्रकार के अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे नए वीडियो को जरूर देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, ज्ञान असीमित है, पर ये आप पर है कि आप उसको कितना लेना चाहें। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा थर्मल कैमरे का जो फुटेज है, जो यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली थर्मल कैमरे को यूज़ किया जाता है और थर्मल कैमरे का क्या फ़ायदा होता है अगर हम उसको परचेस करें। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, थर्मल कैमरे के बारे में अब तक आपको जानकारी नहीं है, तो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम एंड्रॉयड की, खास तौर पे EMMC की अलग से ट्रेनिंग देते हैं, और जहाँ पे फ्रेशर बच्चे आते हैं, जहाँ हमारा 1 महीने का एक क्लासेस चलता है, जहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा 1 महीने का कोर्स होता है, उसके अलावा हम 10 दिन की EMMC की ट्रेनिंग देते हैं। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि बहुत जल्द समय में हम चालू करने वाले हैं आईफोन की क्लासेस। तो क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट अगर आते हैं यूएमसी करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? सर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा, अगर यहाँ आएंगे तो सही डिसीजन होगा। अगर कहीं और जाओगे तो आप घूमते रहोगे, बस काम में हर जगह घूमते रहोगे, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको काम एकदम परफेक्टली सीखना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, और आपको कहीं फिर बाद में किसी से भी कोई हेल्प जाने की जरूरत नहीं, इधर जाने की जरूरत नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद EMMC डायरेक्ट, क्योंकि मैंने वही किया था, हार्डवेयर किया, सॉफ्टवेयर भी किया, प्लस में सॉफ्टवेयर तो आता था लेकिन उसमें भी मेरे को सर और डॉट्स निकल गए जो मैं नहीं करता था मार्केट में। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाकर सीखना है, अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी इतना जरूरी है, इसी पे स्टूडेंट आके यहाँ सीखना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए? आप कहीं भी नहीं जाना है, खाली एशिया टेलीकॉम चूज कर लो, नंबर 1 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तक जाना है तो आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद नंबर 1 बन जाएगा। दिल से बोल रहे हैं आपके, मैं जबरदस्त बोल रहा हूँ, मैं ऐसा दिल से कह रहा हूँ। दिल अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम 100% फुल प्रैक्टिकल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको किताब कॉपी भी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हो, मोबाइल में जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, किस सेक्शन में लगा होता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आता है, और जब ये खराब होगा तो इसमें कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू दिखा सकता है, यहाँ 100% पूरी इसकी जानकारी दी। यहाँ पर आपने साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है? हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से CPU निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से CPU निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है? हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने 1 से 2 से 1 ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए, बताइए। मैंने 4 बार किया, 3 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार सर, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार सर, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार सर, 2 बार, 3 बार, 2 बार सर, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 4 बार किया है, वेरी गुड। 5 बार सर, 2 बार सर, इसमें से 2 बार, 2 बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार सर। कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है? सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है?
अच्छा ठीक है, आप नीचे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। बैठे रहकर आठ बार किया तुमने? तीन बार। दो बार। नंबर बोलते रहो। दो बार। नंबर बोलते रहो बस। 14 बार सर। 14 बार क्या बात कर रहे हो इतना? दो बार किया। ये फेक तो नहीं बनना है? बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबोलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए। जिनको रिबोलिंग आती है, सबको रिबोलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे करिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने 6 बार। 6 बार। 5 बार। 6 बार। सर 5 बार। 7 बार। बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 3 बार। 5 बार। 4 बार। 2 बार। 6 बार। 5 बार। 5 बार। 3 बार। 2 बार। 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार। यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने। तो हम बात करते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज। तो मैं बात करता हूं, तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे। मीरा टेक की? यस सर। कॉलकॉम? यस सर। एमआई? यस सर। सैमसंग? यस सर। एसपीडी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब दो टूल होते हैं, आईट्यून होता है और 3U टूल होता है। आईट्यून और 3U। आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूं सब। अब भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया बस। चलिए अब मैं जो ट्रिक दी जाती है वो मतलब जैसे नहीं कहते किसी को पिला दिया जाए, उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उस पर पड़ा रहेगा, उसको उतरने वाला नहीं है ना, ये डिलीट होगा यहाँ से। अब दिल से बोल रहे हैं क्या? सर मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। आईडी नहीं, सही बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही नहीं, पहले हमारे डाउट थे सब सब क्लियर हो गए। किसी और को देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल कॉप भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सीपीयू पे काम कर सकते हो, सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं वाला भी? जी सर बिल्कुल, अभी भी है मेरे पास, अभी ये बोर्ड है सर। अच्छा ये वाला बोर्ड है, क्या काम किया इसको थोड़ा दिखाइए। एमसी निकला, ये वाला एमसी, ये पेस्टेड है सर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने। और अभी सर बताइए, आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना, कब से काम है आपको, कितना एक्सपीरियंस है? 5 साल से। 5 साल से। आपको अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर, एज अ टेक्नीशियन? मुझे जहाँ मैं फंसता था, मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमी अब दूर हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद, मुझे ऐसा लगे मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से, जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया। मतलब आपने दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ सर, जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया, मार्च में। हाँ। मार्च में सीट खुलने का मेरा नहीं हो पाया, इनको अप्रैल में मिला हुआ है। और तो आपने एसी टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता सकते? तो बिल्कुल सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा, आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर? आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शुरू से मतलब शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम्युनिकेशन
सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़ा पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो एमएमसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमएमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमएमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा तुम्हें, अच्छा सबसे काम कर रहे हैं सर, मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है सर? बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशियन टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशियन टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? पहनी है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया तो बना लेता है, क्या होता है मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर ऐसे निकाले और लेकिन क्या मुझे सर दिल से लगा था, अगर सर बहुत अच्छा समझाते, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आएगा नहीं, हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? आप भी लगा कि पापर में आप, थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चल रहा है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है।
अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैंने यहाँ पे गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल में आते आया तो सर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आई फोन फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल मुझे खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ कि मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.